वेलकम बैक टू माई चैनल लव योर सेल्फ नीलूफर। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। सो आज इस वीडियो में ना, ये लुक जो आप देख रहे हो ना, इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। सो अगर बेसिकली अगर देखा जाए, जो आई मेकअप है ये थोड़ा सा एडवांस मेकअप में आता है। सो एडवांस मेकअप में जो आप है ना, आई मेकअप थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल मेकअप से। सो उसी पर मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो ईजी लगेगा और इन्जॉय भी करने वाली, और वीडियो आपको होपफुली पसंद भी आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को कर दीजिएगा थम्स अप यानी कि लाइक, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और एंड में वीडियो के जाने से पहले मुझे ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है इन कमेंट सेक्शन। सो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बिफोर आई स्टार्ट दी मेकअप, मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, रिसेंटली मुझे रिसीव हुआ था बायोडर्मा से कुछ स्किन प्रोडक्ट, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि पर्सनली मैंने जब इसको यूज़ किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, जब भी मुझे कोई भी ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट या कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो है मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, ट्राई करती हूँ, अगर मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है या नहीं लगता है वो मैं वीडियो में शेयर करती हूँ। सो दैट आपको अगर इस टाइप की कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको अगर ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली उसे ट्राई करिए। सो यहाँ पे मैंने तीन प्रोडक्ट रिसीव किया है ये बायोडर्मा के। सो एक है फेस वॉश, एक है फेस क्रीम, और अदर वन जो है ये है आपका मेकअप रिमूवर। लाइक यू गाइज नो कि मैं मेकअप से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ, स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड, स्किन केयर या हेयर केयर से रिलेटेड भी वीडियोज़ होते हैं। सो मेकअप को रिमूव करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर अभी रिसेंटली इसे ट्राई करके देखा है बायोडर्मा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है ना आपके डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो उनके पास सारे के सारे प्रोडक्ट उसी रेंज में आएंगे। जैसे कि मेरा जो है ये नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन पे आता है, ड्राई स्किन पे, सो उसी से रिलेटेड मैंने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था, ये तीनों के तीनों उसी से रिलेटेड मेरे स्किन पे अच्छा जो है वर्क कर रहा है, सूट कर रहा है। दीज आर फ्रेंच ब्रांड, सो ये मेड इन फ्रांस है। इसमें इसके जो प्रोडक्ट की क्वान्टिटी है अच्छी खासी क्वान्टिटी, आई थिंक ये 200 ml के साथ आता है ये ट्यूब। यस, ये 200 ml के साथ ये दोनों प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट वन जो है बायोडर्मा का फेस वॉश है। सो ये भी मेरा वेरी ड्राई इरिटेटेड टू एटोपिक सेंसिटिव स्किन का मैंने सेलेक्ट किया था। सो जो भी आपको जिस टाइप के भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आप उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये मैंने यूज़ किया है। ये थोड़ा सा जो भी टेक्स्चर है वो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी। इसे जस्ट आपके फेस में मसाज करेंगे तो थोड़ा सा ना आपको फोमिंग वाले जो फेस वॉश होते हैं ना, वैसा फील होने वाला है, बहुत अच्छा सा झाग बनेगा। एंड देन यू हैव टू लाइक रिंस इट विद वाटर, सो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा, डीपली क्लीन हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है ये भी आपका बायोडर्मा अल्ट्रा नरिशिंग क्रीम है, जो कि रिपेयर, सूथ, प्रोटेक्ट्स नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन। सो मेरे थोड़े से एक्ने प्रॉन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, सो मैं भी कोई भी प्रोडक्ट अगर लेती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ अपने स्किन से रिलेटेड, तो मैं अच्छे से सर्च कर लेती हूँ, रिसर्च करने के बाद ही मैं उसे पिक करती हूँ। इसका टेक्स्चर भी बहुत ही क्रीमी है, थोड़ा लिक्विडी है, सो बहुत ही अच्छे से आपके स्किन पे एक डीपली नरिश करेगा, और साथ ही साथ ना आपका ऑल डे आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखेगा। सो रिसेंटली मैंने जो मेकअप ट्राई किया था ना, उसके बाद इसको मैंने ट्राई करके आपको दिखाया है। सो इसको रिमूव बहुत ही, ये सेंसिबो H2O के साथ आ रहा है, और ये भी आपका सेंसिटिव स्किन, फेस एंड आईज से रिलेटेड, लाइक आप अगर करते हैं, क्लीन करते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या इरिटेशन नहीं होगी। मैंने आईज से स्टार्ट किया, जस्ट थोड़ा सा प्रेस करके रखिए, क्योंकि आई मेकअप थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकेंड का, देन उसके बाद आप रिमूव कीजिए, आपका बहुत ही क्लीनली आपका मेकअप जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने दो कॉटन पैड यूज़ किए थे, जिससे ऑल ओवर मेरा मेकअप जो है अच्छे से रिमूव हो गया था। एंड देन उसके बाद फेस वॉश कीजिए, थोड़ा सा मॉइस्चराइज कीजिए। सो दैट इज़ ऑल। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, और आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा, क्योंकि ये सारे डर्मेटोलॉजी टेस्टेड हैं, तो आप बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के जो कूपन कोड है मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक और डिस्काउंट कोड भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको परचेज करना है तो आप डिस्काउंट के साथ इससे अवेल कर सकते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को।
सो टुडे आई विल स्टार्ट विद आई मेकअप. सो पहले मैं ब्राउ को फिल इन करूँगी. सो यहाँ पर मैं ब्राउ ब्रो इंडलजियो का ब्राउ सोप ले रही हूँ और स्पूली के हेल्प से इसे जस्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट दूंगी. जो भी ट्रेंडिंग लुक होता है ना उसी को मैं फॉलो करने वाली हूँ. एंड देन यहाँ पर मैं ब्राउ को अच्छे से हल्का सा लाइट सा थोड़ा सा फिल इन करूँगी जो भी स्पेयर पार्ट है. एंड उसके बैक में जो स्पूली है उसी के हेल्प से इसे अच्छे से एक बार कॉम्ब कर देना है. नेक्स्ट थोड़े से ब्राउ को क्लीन करूँगी. सो यहाँ पे मैं स्वेस ब्यूटी का 05 मीडियम मोइन शेड ले रही हूँ और थोड़ा सा लिट को प्राइम करूँगी एंड ब्राउ को थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगी साथ ही साथ और एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट मूविंग टू आई मेकअप. सो यहाँ पर आई मेकअप के लिए मैं एक ही पैलेट ले रही हूँ जिसमें मुझे सारे शेड मिल जाएंगे. जस्ट उससे पहले आप कोई भी काजल ले सकते हैं. सो यहाँ पर मैं ब्लू हेवन के पहले काजल ले रही हूँ और एक विंग क्रिएट कर रही हूँ. जनरली बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना, एक आप सिंपली जैसे होता है कोई भी एक विंग क्रिएट कीजिए. देन यहाँ पे मैं पैलेट में इससे पहले ब्लैक शेडो जो है पिक कर रही हूँ और जस्ट उसी के ऊपर थोड़ा सा डार्क इंटेंस के लिए ना वहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ एंड देन उसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन शेडो ले रही हूँ और यू कैन सी थोड़ा सा चेंज हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर पिक कर रही हूँ और उसी के साथ साथ थोड़ा सा इसको मैं फिल इन करूँगी एंड आउटर जो मेरा वी है वहाँ से इसको मैं क्रीज तक इसको थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी. नेक्स्ट थोड़ा सा इसी से लाइटर शेड ले रही हूँ और उसी के आगे जो है मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ. सो इसे हाफ ऑफ माई लिड जो है इसे थोड़ा सा मैं प्लेस कर रही हूँ. नेक्स्ट इसी से थोड़ा सा और एक लाइटर शेड जो कि थोड़ा सा आप मस्टर्ड कलर बोल सकते हैं ये पिक कर रही हूँ और उसी के आगे थोड़ा सा और फिल इन करूँगी एंड जो मेरे इनर कॉर्नर है ना उसे मैं थोड़ा और लाइट येलो शेड पे जाने वाली हूँ. तो उससे जस्ट पहले मैंने यहाँ पर ब्राउन शेडो लिया है और एक छोटे से थिनर ब्रश के हद से जो मेरा क्रीज एरिया है उसे एक बॉर्डर लाइन जैसे होता है आउटलाइन किया है और उसके बाद सिंपली एक वाइट शेडो से मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा स्मज करूँगी ताकि थोड़ा सा ना ये ड्रामेटिक लगे. और उसके बाद अब मैं ले रही हूँ येलो कलर और इनर कॉर्नर को अच्छे से कोट करूँगी लाइक उसे थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से इसको कलर को आप यू कैन सी द लाइक कॉन्ट्रास्ट कितना आया ओम्ब्रे इफेक्ट आया है. फिर मैं यहाँ पर लाइनर ले रही हूँ और जो मेरा आउटर वी है ना उसे हल्का सा और डार्क क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए. सो उसी के ऊपर एक बार मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और सिंपली जैसे लाइनर क्रिएट करते हैं ना वैसे मैं एक लाइनर जो है इसके ऊपर एक कोट कर लूँगी. नेक्स्ट मैं यहाँ पर मेटालिक ग्लिटर आई शेडो ले रही हूँ इनसाइड का जिसका शेड थोड़ा सा ग्रीन है और जो ग्रीन एरिया मैंने यहाँ पर प्लेस किया था ना जस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर फिंगर टिप से इसको थोड़ा सा मैं स्प्रेड कर दूंगी. सो थोड़ा सा लाइट सा शिमरी इफेक्ट यहाँ पर आएगा. सो आई मेकअप को यहाँ पर जस्ट मैं स्टॉप करूँगी एंड मूविंग टू बेस मेकअप. सो बेस मेकअप के लिए अगेन यहाँ पर मैं बायोटर्मा का मॉइस्चराइजर क्रीम ले रही हूँ और ऑल ओवर फेस को अच्छे से लाइट सा मसाज करूँगी. नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा ग्लो फैक्टर की यहाँ पर मैं लोटस प्रो एडिट यहाँ पर स्ट्रोब ले रही हूँ और जस्ट क्रीम के ऊपर ही थोड़ा सा अप्लाई करूँगी. इससे थोड़ा सा आपको ना आपके पूरे एंटायर मेकअप में ड्यू इफेक्ट लेके आएगा. तो इसे अच्छे से लाइट सा मसाज करूँगी एंड उसके नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर पोर मिनिमाइजर प्राइमर इनसाइड का प्राइमर ले रही हूँ. फेस के टी जोन पे अच्छे से अप्लाई करूँगी. तो थोड़ा सा स्टिकी अगर आप नोटिस करेंगे ना लेंगे कोई भी प्राइमर तो वो अच्छा वर्क करता है और आपके ओपन पोर्स को ही मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा. देन फाउंडेशन के लिए आज यहाँ पर मैं लैक्मे लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ 925 जिसका शेड है W160 वार्म सैंड. और ये पहले से जस्ट मैंने ना थोड़ा सा कलर करेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया था जो से मैंने यहाँ पे शो करना मिस आउट हो गया एंड देन ब्रश के हेल्प से इसे अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी. तो ये क्योंकि थोड़ा सा आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देता है बट स्टिल आई नीड फुल कवरेज. तो इसी के ऊपर ना मैं एक बार फिर से और थोड़ा सा अप्लाई करूँगी क्योंकि ये आपका बिल्डेबल फाउंडेशन में आता है. तो अगर आपको लाइट कवरेज मिल रहा है उसके ऊपर एक और कोट अगर लगाएंगे तो आपको उसको फुल कवरेज का इफेक्ट आपके फेस में आ जाएगा. सो ये हो चुका है मेरा बेस एंड देन यहाँ पर सेम स्विस ब्यूटी का मैं कंसीलर ले रही हूँ. अंडर आई को थोड़ा सा कंसील करूँगी और जो भी आउटर साइड है उसे कंसील करूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज जो भी एरियाज हम करते हैं और थोड़ा सा जॉ लाइन के जस्ट ऊपर. एंड अगेन अब मैं इसको जो ब्लेंडिंग है ना अलग अलग ब्रश के थ्रू करूँगी तो अच्छे से ब्लेंड होता है. लाइक जो बड़ा वाला ब्रश है फाउंडेशन उससे मैंने अपनी बाकी एरियाज किया है. आईज़ के लिए अंडर आईज़ के लिए यहाँ पर मैंने छोटा सा स्मॉल ब्रश लिया है उससे अच्छे से ब्लेंड हुआ है. अब जो मेरा क्रीम टेक्सचर वाले बेस थे
उसे सेट कर लूँगी सेटिंग स्प्रे से। ये भी स्विस ब्यूटी का है। इससे क्या होता है ना, आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्ट रहेगा और क्रीज भी नहीं होता है। इसके बाद मैं पाउडर वाले जितने बेस हैं वो अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट ब्रॉन्जर के लिए आप कोई भी ब्राउन शेडो ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ब्राउन शेडो ले रही हूँ और एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से जो भी एरियाज हम कॉन्ट्रोल करते हैं, हॉलो ऑफ चीज, थोड़ा सा फोरहेड एंड अपनी नोज को, सो इसी से पाउडरी इफेक्ट देता है सो ब्रॉन्जर। तो इसे मैं इस पाउडर से ही इसे अच्छे से करूँगी। सो बहुत लाइट सा आपके फेस में एक डायमेंशन आ जाता है। नोज़ को भी थोड़ा सा फिंगर टिप से पहले ब्लेंड करूँगी, देन उसके बाद ब्रश के हेल्प से उसे मैं सेट कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मैक का ब्लश ले रही हूँ और लाइट सा ब्लश अप्लाई करूँगी, लाइक जितना आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे मैं ब्रश से पहले लाइट स्टार्ट करती हूँ, देन कहीं एक्सेस ना हो जाए सो इसलिए मैं पहले हल्का सा अप्लाई करती हूँ। अगर नीड होती है तो उसके ऊपर मैं एक और कोट जो अप्लाई करती हूँ। देन आई मेकअप में यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ पर मैं स्टे क्विली का वाइट पेंसिल ले रही हूँ, आई पेंसिल, और इसे बॉटम वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। और जो भी थोड़ा सा शेडो मैंने ऊपर यूज़ किया था ना लिट पे, वो थोड़ा सा मैं लोअर लैश में भी अप्लाई कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं हाइलाइटर ले रही हूँ। हाइलाइटर से भी जो एरियाज हम हाईलाइट करते हैं जस्ट वहाँ पर ब्रश से कर दूंगी, ब्रिज ऑफ द नोज, थोड़े से एपल ऑफ चीक्स। एंड लिपस्टिक के लिए यहाँ पर मैं न्यूड शेड पिक कर रही थी, तो मैं यहाँ पर मैंने दो तीन लिपस्टिक जो है ना मिक्स किया था, पहले आउटलाइन किया था देन न्यूड शेड लिया। और प्रॉपर न्यूड होने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत है, सो यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन शेडो से आउटलाइन किया। एंड देन मुझे जो भी लिपस्टिक चाहिए था न्यूड वो मुझे मिल चुका है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, मेरा फाइनल लुक है। बालों को मैंने थोड़ा स्लीक रखा है, एक पोनी बनाया है, लोअर पोनी, और ईयरिंग थोड़ा सा ग्रीन मैंने इसके साथ मैचअप किया है। सो आउटफिट अगर आपके अकॉर्डिंग करेंगे सो ये लुक बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइज़।